conducting ring capital R is placed on the axis of bar magnet, the plane of R is perpendicular to the axis. ठीक है, M can move along this axis. ये अब ऐसा कुछ होगा कि ये अपने पास ये कोई रिंग है और ये कोई बार मैग्नेट है ना, यही बात हो रही है. कंडक्टिंग का आर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द बार, द प्लेन ऑफ आर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. हाँ ठीक है, सही है. तो अब देखो एक चीज, एम एम मतलब ये मैग्नेट का नाम है एम और रिंग का नाम है आर. तो कुछ ओरिएंटेशन दे देते हैं इसको कि भाई इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है सपोज कर. तो अब क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन बोलता है एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर. तो ये हो गया आर और ये एम आ रहा है. अब इसकी तरफ यदि आ रहा होगा तो लेंज का नियम बोलता है भाई इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा रिंग का, है ना, क्योंकि इससे क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, तो ये फ्लक्स को बढ़ाएंगे इसके. अब फ्लक्स को बढ़ाने के लिए लेंज का नियम बोलता है अभी अपोज करो, है ना, फ्लक्स बढ़ाने का जो भी कारण है उसको अपोज करो. तो फ्लक्स बढ़ाने का कारण है, इसका अपोज कैसे होगा, अपोज होगा इसको रिपेल करके कि वो आर रिंग क्या करेगी अपने इस तरफ बना लेगी नॉर्थ, इस तरफ बना लेगी साउथ, तो फिर क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा. तो एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, सही बात. और वैसे तो आंसर मिल गया ही था, सिंगल चॉइस ही क्वेश्चन हैं सारे, तो फिर भी दूसरा वाला कंडीशन भी अपन देख लेते हैं कि व्हेन इट इज मूविंग अवे, तो जब इट इज मूविंग अवे इधर जा रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, इसका जो फ्लक्स हो रहा है वो घट रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स बढ़ाना चाहेगा. बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि भाई मेरे पास आओ फ्लक्स बढ़ाओ, तो अट्रैक्ट करेगा. तो जब ये दूर जाना चाहेगी तो पास बुलाएगा, पास आना चाहेगी तो दूर बुलाएगा, कहीं खुश नहीं है, है ना. तो एम कैन मूव अलोंग द एक्सिस, एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, सही बात है. एम विल अट्रैक्ट आर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स आर, नो. एम विल रिपेल आर व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम आर, नो. एक ऑप्शन मिल ही चुका है आपको.